हेलो गाइस, तो एक बंदे ने मेरे से पूछा था कि फ्री फायर में एक इवेंट है, बहुत दिनों से है, इसमें क्या करना है। ये फैन रिफ्लर कोड है, इसमें क्या करना है। अब कई बंदे बोलते हैं भाई आपको कौन पूछता है, क्या करते हो आप, तो झूठ बोलते हो। तो भाई आपको बता दूं कि पूछते हैं यार, कमेंट में बताया था किसी बंदे ने पूछा था, कमेंट में किसी बंदे ने पूछा था कि भाई हेलो भाई, ये स्कार एल वाला इमोट में क्या करना है। तो भाई इस स्कार एल वाले इसमें आपको एक न्यूबी की यूआईडी डालनी है जिसकी लेवल 5 से कम हो। तो मेरी एक नूब आईडी है जिसको मैंने कल ही बनाया है, उसकी यूआईडी डालता हूँ मैं। भाई सबसे पहले आपको एक नूब आईडी बनानी है जिसकी लेवल 5 से कम हो। तो मेरी एक नूब आईडी है, इसकी लेवल 2 लेवल है, और इसकी यूआईडी आपको कॉपी कर लेनी है। यहाँ पर जाना है और इसकी यूआईडी कॉपी कर लेनी है। आईडी को कॉपी करने के बाद फिर वापस से अपनी मेन आईडी में चले जाना है। अपनी मेन आईडी को खोल लेना है वापस, मेरी मेन आईडी फेसबुक से है, आपकी जिससे भी है खोल लेना, और वहां जाकर न्यू आईडी कॉपी कर देना है। याद रखना वो आईडी की लेवल 5 से कम होनी चाहिए, 5 भी नहीं होनी चाहिए, और एक लेवल तो होनी चाहिए। इसको डालकर आप ये कोड ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर न्यू की यूआईडी डाल देनी है, जैसे मैंने ये यूआईडी डाल दी, इससे आपकी न्यूबी आईडी में रिक्वेस्ट चली जाएगी, और फिर आपको इसको लॉग आउट कर देना है और वापस अपनी न्यूबी आईडी में जाना है। वहाँ जाकर आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट देखो मैं करके बताता हूँ, रिक्वेस्ट आएगी थोड़ी देर में, ये यहाँ पर आएगी रिक्वेस्ट। कहाँ गई यार, ये खोल लेते हैं। अब आपको कर लेना है। अब इसमें अगर आप जितने भी लेवल करोगे ना, आपको वो मिलता रहेगा। तो गाइस, आपको एक न्यू आईडी की यूपीआई आईडी तो उसमें डालनी है, उसकी लेवल 5 से कम होनी चाहिए, 5 भी नहीं होनी चाहिए, और फिर आपको वापस उसी इवेंट में जाना है। इवेंट ये एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसमें खेलना है, इसकी जितनी लेवल होगी उस हिसाब से आपको ये मिलता रहेगा।